अस्सलाम वालेकुम गाइस, किंग बाबर आजम ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ICC रैंकिंग के तीनों फार्मर के टॉप 3 प्लेयर बन गए हैं। ICC की जानिब से बुध को जारी करता रैंकिंग में बाबर आजम टेस्ट बैटर की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान ने कई हफ्तों से टेस्ट मैच नहीं खेला और जिसकी वजह से किंग बाबर आजम बगैर किसी मेहनत किए बगैर ही तीसरे नंबर पर आ गए हैं और वनडे क्रिकेट में बाबर आजम 886 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन पर हैं, जबकि T20 में बाबर आजम 765 पोजीशन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वो इस वक्त बहुत बेटर हैं जो तीनों फार्मर के टॉप 3 में शामिल हैं। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने सबको खुश कर दिया। हम यही दुआ करते हैं कि वो इसी तरह नए से नए रिकॉर्ड लगाते जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हमारे तो अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, क्योंकि अगर बाबर आजम आगे जाएगा तो इससे पाकिस्तान का नाम ही ऊपर जाएगा। चाहे वो अपने लिए खेलते हैं, चाहे मुल्क के लिए खेलते हैं, लेकिन जो भी है पाकिस्तान का नाम ऊपर जा रहा है। हमें बस यही चीज़ चाहिए कि हमारा जो वतन है वो हमेशा सबसे ऊपर रहे। और उसके बाद टेस्ट बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान के शहनशाह अफरीदी 5वें नंबर पर आ चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहनशाह अफरीदी अनफिट भी हो चुके थे और उसके बाद वो 5वें नंबर पर आ गए हैं और इंशाल्लाह हमारे ये दोनों जो हीरो हैं ये फिर से अपने पहले नंबर पर आएंगे, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी टीम ने इतने मैच नहीं खेले। इंशाल्लाह ये जो टेस्ट मैच होने जा रहा है श्रीलंका के साथ, इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम वहाँ पे कम बैक करेगी। किंग बाबर आजम इंशाल्लाह पहले नंबर पर आएंगे और तीनों फार्मर पर वो पहले नंबर पर आएंगे। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम और बेस्ट ऑफ लक बॉबी।